चलिए बढ़ते आगे खबरों में। तो झारखंड में 1 अप्रैल से लागू होने जा रही नई उत्पाद नीति, कैबिनेट में आने वाले प्रस्ताव से पहले नई उत्पाद नीति में लेकिन रोड़ा भी अटक गया है। जगन्नाथ महतो के आवास पर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो प्वाइंटर्स है, बहुत सारे जो एजेंडे हैं, बहुत सारे जो बिंदु हैं, उस पर कई तरह की आपत्तियां आ रही है। नए मसौदे पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति हालांकि दे रखी है। राजस्व परिषद के कई सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है कि राजस्व परिषद ने कुछ सवाल पूछे थे कि जब दुकानों की संख्या कम होगी तो राजस्व वृद्धि कैसे होगी, ऐसे बहुत सारे उसमें सवाल है, बहुत सारे जो आपत्तियां वो है। अब एक ही निजी कंपनी पूरे राज्य में खुलेगी शराब की दुकान, तो ये भी एक इसमें मुद्दा है। छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नीतियों पर शराब की बिक्री शुरू होने जा रही है। नई शराब नीति का खुदरा शराब विक्रेता विरोध कर रहे हैं, तो ये चलिए। तो इस मुद्दे को लेकर, हालांकि ये अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से इसके लागू होने की बात की जा रही है और इसमें कई सारे बदलाव संशोधन अभी भी उसकी गुंजाइश बनी रहेगी, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में इसकी शुरुआत हो रही है 2022 से इसमें। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो इसमें आपत्ति आ रही है उसको लेकर हम जाएंगे कि आखिर किन किन बिंदुओं पर और इस जो इसमें अनुशंसा उसमें किन मुद्दों को लेकर जो है विरोध हो रहा है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अजय, निश्चित तौर पर एक नई शराब नीति है, कोशिश और उम्मीद पूरी यही है कि राजस्व की प्राप्ति बढ़े, राजस्व का संग्रहण बढ़े और उत्पाद विभाग जो है वो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला एक विभाग बन जाए, यही कोशिश है, क्योंकि सरकार को राजस्व के जरिए चलना है। तो इसमें अब दिक्कतें कहां कहां पर आ रही और क्या क्या अड़चन बेसिकली जो है वो इसमें पाया जा रहा है और इसको लेकर लग रहा है कि इसमें नीति में अभी कुछ संशोधन होना बाकी है, कुछ गुंजाइश अभी भी है इसमें। देखिए पंकज, अब से थोड़ी देर पहले सूबे के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री के आवास पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी भीड़ हमने देखा। मैं भीड़ शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ी संख्या में अधिकारी आए थे, उत्पाद आयुक्त अमित कुमार के साथ ही कमिश्नर जो हैं वो भी आए हुए थे, साथ ही कई अन्य अधिकारी आए हुए थे। और जो राजस्व परिषद ने कई प्रकार के सवाल उठाए हैं उसका क्या हल होगा, उसका क्या जवाब होगा, उसको खोजने की तैयारी हो रही थी। सबसे पहले राजस्व परिषद ने ये कहा है कि पूरा का पूरा जो मसौदा है उसमें कहीं से भी रेवेन्यू की गारंटी नहीं है। अब से पहले जो शराब की बिक्री हो रही है उसमें ये तय था कि 25 महीने की 25 तारीख को जितने शराब विक्रेता हैं वो रेवेन्यू जमा कर देते थे और नए शराब का उठाव करते थे, लेकिन नई जो शराब नीति है उसमें इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है कि रेवेन्यू की गारंटी कैसे होगी। और साथ में यह भी तय हुआ था नई उत्पाद नीति में, यह भी बातें राजस्व परिषद ने ऑब्जेक्शन किया है कि अभी तक जो शराब के दुकानदार शराब बेच रहे हैं, जब वो शराब बेचते हैं तो उसमें आप वैट भी वसूलते हैं, लेकिन नई नीति में जो एजेंसियां शराब बेचेंगी उससे आप वैट का वसूली नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के कई प्रकार के अड़चने थी कि ये कैसे संभव है कि जब शराब व्यापारी शराब बेचे तो उससे आप वैट की वसूली करेंगे, लेकिन जब छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लोग शराब बेचेंगे तो उनसे आप वैट की वसूली नहीं करेंगे, और जब वैट की वसूली नहीं करेंगे तो 300 से 400 करोड़ रुपए का जो अंतर है वो ऐसे ही ऊपर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है इसमें ये राजस्व परिषद ने कहा था कि ये पूरी तरह से सरकार ने जो नई नीति तैयार की है उसमें इन चीज़ों को छिपा कर रखा गया है। हमारे साथ एक शराब व्यापारी हैं, संभवतः मैं उनको कैमरे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ों को ठीक से समझा पाएंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आया था। विनय जी हमारे साथ कैमरे में आप आ जाएं और उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि राजस्व परिषद ने क्या क्या सवाल, क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाए थे। विनय जी, न्यूज 11 में आपका स्वागत है। राजस्व परिषद ने क्या क्या सवाल उठाए हैं तो इधर आ जाइए, सूत्रों से जो जानकारी मिली आप। राजस्व परिषद ने जो सवाल उठाए थे वही सवाल हैं जो हम लोग के पुराने सवाल थे। हम व्यापारी लोग के यहाँ से तो सरकार को जो निश्चित राजस्व होता था वार्षिक वो मिल जाया करेगा, मिल जाता था, लेकिन अभी का जो स्थिति है इसमें राजस्व की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी लेने वाले नहीं है राजस्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में और दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था? और दूसरा ऑब्जेक्शन भी बहुत तरह का था, जैसे कि वैट का एक मामला था जो पुराना मामला था, हम लोग बता रहे थे कि इतना वैट 75% जो वैट लग रहा है इतना वैट किसी भी स्टेट में नहीं है, इसको कम किया जाए, और उसको कम नहीं किया गया। लेकिन अभी वर्तमान जो पॉलिसी आने जा रही है उसमें वो वैट को कम करके उसको एक्साइज ड्यूटी में मद में विलय किया जा रहा है, जिससे राजस्व का तो खोज पाए लोग।
इसका जवाब तो अब तो विभाग देगा, खोजे या ना खोजे वो तो विभाग के ऊपर का चीज है। लेकिन बड़ा ये मुख्य रूप से दो अड़चने जो मुख्य रूप से सामने आई थी कि जब शराब व्यापारी शराब बेचते हैं उनसे आप वैट वसूलते हैं, वैट कम करने की बात हो रही थी 70% वैट। आप समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये की शराब की बोतल खरीदेगा तो 70 रुपये उसे वैट के रूप में देना होगा, लेकिन जो नई पॉलिसी बनी है उसमें वैट को कम कर दिया गया है और यहां तक कहा गया है कि वैट की जो लाइसेंस कई प्रकार जो बढ़ोतरी की बात आ रही थी वो उसको लेकर भी क्या आपत्ति जताएगी, क्योंकि लगभग 3 गुना होने की इसकी बात आ रही थी सामने नई नीति के तहत। देखिए नई शराब नीति में जो बार लाइसेंस का जो फी है उसको 3 गुना करने की बात कही गई है और साथ में यह भी कहा गया है कि जनसंख्या के आधार पर जो बार लाइसेंस बनेंगे उसका जनसंख्या देखा जाएगा। मसलन इसको यूं समझिए, यदि कोई व्यक्ति फिराया लाल यानी कि अलवर टेका चौक के इलाके में बार लाइसेंस लेना चाहेगा तो उससे ज़्यादा फी देने होंगे क्योंकि वो पूरा का पूरा घनी आबादी है, कई प्रकार की दुकानें हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पिठौरिया इलाके में बार लाइसेंस लेना चाहेगा तो उसकी फी कम होगी। तो ये कहा गया है, शराब व्यापारी लगातार ये कह रहे हैं कि यदि फी लाइसेंस 2-3 गुना हो जाएगा तो कैसे शराब व्यापारी सर्वाइव करेंगे। मंत्री जी की ओर से यह भी कह रहे हैं कि नई नीति में अभी भी संशोधन की गुंजाइश है या उन्होंने ऐसा कह दिया कि नहीं जो हो गया वो ओके है अब। उनसे बातचीत उन्होंने कहा कि संशोधन के रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने पैरा शिक्षकों की बात कही थी कि बिहार ने 13 बार संशोधन किया है, तो कोई भी ऐसा बिल कोई भी ऐसी याचना होती है उसमें संशोधन के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन यह तय मानिए कि आज कैबिनेट में प्रस्ताव आना है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा। पंकज चलिए बहुत ही शुक्रिया, अजय आपने बहुत ही तफसील से बताया आपने कि किस तरीके से आपत्तियां आ रही हैं राजस्व प्राप्ति को लेकर। इसमें जो है कोई फॉर्मूला जो है वो तय इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई गारंटी ऐसी बात नहीं है। वैट को लेकर मामला थोड़ा सा फंसा वाला कि वैट बोला जा रहा है कि वो एक्साइज में ही क्लब कर दिया जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। लाइसेंस का शुल्क की भी बात आ रही जो बार एसोसिएशन ने इस पर आपत्ति जताई थी और साथ ही साथ दुकानों को कम करने की बात हो रही है, कैसे सब कुछ होगा ये तमाम चीजें हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखना है कि इस नई नीति को कैबिनेट में रखा जाता है तो क्या मंजूरी मिल जाती है या इसमें भी बहुत सी चीजें जो है वो जो आपत्तियां आई है उसका निष्पादन के बाद इससे दोबारा से कैबिनेट लाया जाएगा, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।